उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम ने जनपद के सभी मिष्ठान भंडारों पर छापा मारकर वहां से खोए का सैंपल इकट्ठा कर लखनऊ जांच के लिए भेज दिया है। वहीं खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से जिले के नकली मिठाई का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर के दीक्षित ने बताया कि होली के त्यौहार को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के सभी मिष्ठान भंडारों पर छापा मारा जा रहा है और वहां से खोए और मिठाई के सैंपल को इकट्ठा किया जा रहा है। किसी भी हाल में होली के त्यौहार पर नकली मिठाई को बेचने नहीं दिया जाएगा। मऊ से HN आजमी की रिपोर्ट। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर उप जिलाधिकारी अनुकूल लाठन द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत आज हमारी टीम को निर्देश दिया गया था कि शहर के जो प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानें हैं उनका औचक निरीक्षण करके नमूना संग्रहित करके और लेबोरेटरी में भेजा जाए, जिस क्रम में हम लोग राजवंती पे आए हैं। इनके यहाँ से खोआ मिश्रण का नमूना लिया गया है, नमूना सील करके जांच के लिए भेज रहे हैं। साफ सफाई की स्थिति कुछ कमी पाई गई, गंदगी पाई गई, जिसपे इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे कारखाने में आए थे और उसका नमूना ले गए। हम समय समय पर कोशिश करते अच्छे से अच्छे सामान बना के ग्राहक को दिया जाए समय से और आगे और अधिक साफ सफाई पे हम लोग किसी तरह से ध्यान दिया जाए। कुछ गंदगियाँ वगैरह भी देखा उन्होंने, उसके लिए भविष्य में कोशिश करेंगे और अच्छे से साफ सफाई के लिए फिर आइंदा कोई कमी न पाए, इसके लिए कोशिश करेंगे।